स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब ये रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे होगा? रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा, और एज्यूम ये करना पड़ेगा कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तब आप यहाँ पर नोट करें लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और आप ये जानते हो कि जो रेशनल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होता है उसको x अपान वाई या p अपान क्यू के फॉर्म में आप रखते हो, ठीक है ना। अब आप क्या करें, यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5y इज इक्वल टू x, ठीक। आप ये लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के लिए आप 5y को होल स्क्वायर कर लें और x को होल स्क्वायर कर दें। भाई रूट 5 का स्क्वायर जो होता है वो 5 आता है, और y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। इसकी बात तो समझ में आई गई होगी आपके। अब क्या करना है, आप ये जानते हो कि जब अगर x square is divisible by किससे, अगर x square जो होता है वो 5 से divisible होगा, तो आप ये मान के चलें कि x जो होगा वो भी 5 से divisible होगा, ठीक है ना। इसकी बात तो समझ में आ गई होगी। तो आप ये लिख दें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5k। अब आप ये लिखे, देखिए यहाँ पर ये हो गया, और ये जो 5x स्क्वायर आया ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो आपने यहाँ लिखा 5y होल स्क्वायर, 5y होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 5k होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप बताएं क्या हो जाएगा, भाई 5y स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर 25, ये रूट 5y का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर हो गया, y इज इक्वल टू 25k स्क्वायर हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, y स्क्वायर आप यहाँ लिख दें, y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन y इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये हो जाएगा y divisible by 5। x and y are co-prime, आप लिखेंगे यहाँ पर, so x and y are co-prime, composite prime, x and y are composite prime हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने माना था, जो हमने let किया था, ये point हमारा wrong हो गया। तब हम यहाँ लिखेंगे our assumption is wrong, so root 5 is an irrational number, an irrational number, ठीक है जी। root 5 is an irrational number, ये बात हमने प्रूफ कर दिया, इससे ये प्रूफ हो गया कि रूट 5 जो होगा वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि रूट 5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
रूट फाइव, रूट सेवन, रूट इलेवन, रूट थर्टीन, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको चेंज करके आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जा सकते हैं। इसमें आपको बताना है ये इरेशनल नंबर है तो ये किस प्रकार से इरेशनल नंबर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉच।